वेलकम दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं माई 24 सुबह YouTube चैनल। सो दोस्तों, फाइनली जो है हमारा घर पेंट हो गया है। पीछे आप लोग देख सकते हो येलो कलर का लाइट येलो। सो दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि हमारा घर जो है पेंट हो गया और आप से जो है वीडियो जो है रेगुलर आएगा। इसके लिए आप टेंशन मत लेना। अब टेंशन इस बात का लेना क्योंकि जो है कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 एग्जाम के लिए जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दो नोटिस जारी किया, ठीक है। दोनों नोटिस जो है काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, बहुत बच्चे को निराश भी कर सकता है। बहुत कम से कम 2,10,000 समथिंग बच्चे को जो है निराश कर सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं उस वीडियो में और क्या क्या दिया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अभी आपके सामने जो है उसका ऑफिशियल वेबसाइट का जो है इंटरफेस नज़र आएगा। देखिए, तो अभी सबसे पहले आपका उसको वेबसाइट का इंटरफेस नज़र आ रहा है। देखो, 31 यहाँ पे 31 तारीख का जो है इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है। दो तरीके से जो है बच्चे को फॉर्म जो उसका रिजेक्ट किया गया है। तो पहला क्या है, इनवैलिड एप्लीकेशन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस रिलेटेड विथ जो भी है उसका एडवर्टाइजमेंट जो नंबर था आपका और पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल बिहार पुलिस एंड बिहार फायरमैन इन बिहार सर्विस। तो पहला बच्चा का जो रिजेक्ट किया गया है वो है आपका पेमेंट की वजह से, कि किसका पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरा क्या किया है यहाँ पे, दूसरा नोटिस यहाँ पे पढ़ लेना कि दूसरा नोटिफिकेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कि द रीजन मेंशन अगेंस्ट एप्लीकेशन नेम, मतलब कि यहाँ पे जो है आपका 10th में कुछ और नेम था और फॉर्म फिल करते वक्त कुछ और नेम भर दिया हो, या फिर आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, या फिर 10th के हिसाब से जो है आपका माता पिता का जो है नाम जो है वो नहीं मिल रहा हो, इसके वजह से जो बच्चे को रिजेक्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला नोटिफिकेशन हम लोग खोल के देखेंगे कि नॉन पेमेंट वाला का कितना बच्चे जो है क्या बोलते हैं, कितने बच्चे का जो है फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। तो ये है हमारा नॉन पेमेंट वाले बच्चे का, बता देते हैं सबसे पहले यहाँ पे देख लो, तकरीबन 7,331 पेज में बच्चे का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और किस कारण से फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। तो देख लो यहाँ पे लिस्ट ऑफ इनवैलिड एप्लीकेशन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस कॉन्स्टेबल इन बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल इन स्पेशल इंडिया रिजर्व जो भी है उसका दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितने भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर लोग हैं जो कि हमारे चैनल के साथ अभी फाइनली रिसेंटली में जुड़े हुए हैं, वो लोग प्लीज़ जल्द से जल्द जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इस PDF में डाल के चेक कर लो आपका वहाँ पे है या नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत दुख बड़ी बात है कि 2,10,000 बच्चे का जो फॉर्म इस तरह से रिजेक्ट हो गया, तब बच्चे लगभग 10,00,000 स्टूडेंट जो कि एग्ज़ाम में कंडक्ट बैठेंगे, तो इनका भी रीज़न रहा होगा, मैं आपको बताऊँगा सारा बातें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पेमेंट इशूज़ की। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लगभग जानते हो 1,96,000 के बच्चे कम से कम हैं, देखो 1,96,856 बच्चे हैं, ठीक है। तो इन बच्चों का गलती क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोग लास्ट में फॉर्म फिल किए होंगे, एकदम पक्का बात है कि एक सप्ताह के अंदर फॉर्म फिल किए होंगे, जब इसका फॉर्म का जो डेट ख़त्म होने वाला था उस टाइम फॉर्म फिल किए होंगे। और उस टाइम क्या होता है ना कि अब देख लो कि 1,96,000 अचानक एक वेबसाइट पे इतने सारे 1,96,000 कैंडिडेट अगर लॉगिन करेंगे चाहे खोलेंगे तो वो वेबसाइट जो है ऑटोमेटिक क्रैश होगा, वेबसाइट बहुत स्लो काम करेगा, इसी कारण से जो है उन लोगों का पेमेंट जो है रुक गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी नोटिफिकेशन किसी भी आपका वैकेंसी का निकले ना, तो विद इन 5 days या 7 days के अंदर जो है फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। अगर नहीं करते हो लास्ट में करोगे तो यही होगा, देख लो यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो जितने भी मेरे ब्रदर लोग हैं आप लोग प्लीज़ चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है, क्लियर। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो फोटो और सिग्नेचर नॉट अपलोडेड, तो ये सब का भी जो रीज़न क्या है, वही वेबसाइट क्रैश होने का रीज़न है। ये सभी बच्चे जो है लास्ट में फॉर्म फिल किए होंगे और जिसका फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ, सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ या फिर नाम में गलत है, तो यहाँ पे भी अपना जो है रोल नंबर डाल के चेक कर लो, रोल नंबर कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक कर लो। और वैसे भी अभी तो 9:45 हो रहा है, 10 बजे के बाद जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिन लोगों का यहाँ पे नाम होगा वहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। तो यही थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि 2,10,000 के आसपास बच्चे का जो है फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया सिर्फ नॉर्मली रीजन से, फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं है, पैसा पेमेंट नहीं है, ये वो, तीन सब में कहीं ना कहीं आपका ही गलती है जो कि आप लोग लास्ट में फॉर्म फिल किए होंगे। देखो बुरा मत मानना, ठीक है, जो रियल फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट में फॉर्म फिल किए होगे इसीलिए ऐसा हुआ होगा।
तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने ब्रदर लोग हैं, आप लोग प्लीज़ चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना जो जैसे चल रहे थे वैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म जब भी वैकेंसी की निकले तो कम से कम विद इन 7 डेज के अंदर जो है फॉर्म को भर देना है। इस बात को यहाँ पे सेट कर लो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।